थ्री इडियट्स का वो सीन याद है जहाँ पे आमिर खान पूरे क्लास को ये समझा रहे थे कि रट्टा मार के पास तो हो जाओगे, लेकिन ऐसे पढ़ाई करने वाले को वेल ट्रेंड कहा जाता है, वेल एजुकेटेड नहीं। मैं आज आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और इसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। और उसके साथ साथ यूनियन कैबिनेट ने स्कूल और हायर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाए हैं। लेकिन उन सबको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मकसद क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का काम है देश में शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊंचे से ऊंचे स्तर तक लेके जाना, और इसकी ज़रूरत सबसे पहले 1964 में पड़ी थी, जब कांग्रेस के एमपी सिद्धेश्वर प्रसाद ने गवर्नमेंट के लैक ऑफ विजन एंड फिलोसॉफी फॉर एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया था। उसी साल डीएस कोठरी के अंडर एक कमेटी बनाई गई, जिसके सजेशन के तहत हमें फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी मिला 1968 में। तो जो पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था वो आया 1968 में अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, फिर सेकेंड आया 1986 में अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी, एंड इट वॉज रिवाइज्ड इन 1992 अंडर द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। और जो तीसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर आया 2020 में। और ये कुछ की चेंजेस हैं जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर लाया जाएगा। अब इन सबको अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टेट्स दैट वर्ल्ड्स टॉप 100 यूनिवर्सिटी विल बी फैसिलिटेटेड टू ऑपरेट इन द कंट्री थ्रू ए न्यू लॉ। अब ये चीज़ हमारे देश में पहली बार नहीं हो रहा है, ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो चुका है यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन तब ये फेल हो चुका था। क्यों? क्योंकि तब की जो अपोजिशन थी इसने इस बिल को अपोज किया। और अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की माने तो जो टॉप 20 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज थे इन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए। अब इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का रोल लिमिटेड है, जैसे कि कोलाबरेटिव ट्विनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करना, फैकल्टी शेयर करना और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन इस पॉलिसी के तहत फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में अपना बेस बना सकते हैं। पहले गवर्नमेंट को ये डर था कि ये कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को बढ़ा देगा, और साथ साथ जितने भी हमारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के जो क्वालिटी फैकल्टीज हैं उन्हें भी ज़्यादा पैसे देके फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ले लेगी। तो क्या होगा, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन क्वालिटी एजुकेशन से दूर रह जाएगी। फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ए 4-ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एमफिल प्रोग्राम। अंडर द 4-ईयर प्रोग्राम प्रपोज्ड इन द न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, स्टूडेंट्स कैन एग्जिट आफ्टर 1 ईयर विथ ए सर्टिफिकेट, 2 ईयर्स विथ ए डिप्लोमा एंड आफ्टर 3 ईयर्स विथ ए बैचलर्स डिग्री। अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं या फिर 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, 2 साल बाद आप किसी भी रीजन की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो अगर आप फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास तब एक डिप्लोमा डिग्री होगा और आप सीधे तीसरे साल में एडमिशन ले पाएंगे, जबकि ये अब पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल बीएससी बीए बीकॉम डिग्रीज हैं वो अब जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगी। और 4 साल के बैचलर प्रोग्राम में आपको सर्टन अमाउंट ऑफ रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा, और उसके बाद आप डायरेक्टली किसी रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। मान लीजिए अब किसी को पीएचडी करना है तो उसे पहले मास्टर्स के बाद एमफिल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पीएचडी करने को मिलेगा। लेकिन इस पॉलिसी के अंडर आपको पीएचडी करने के लिए सिर्फ मास्टर्स डिग्री या फिर एक 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री ही चाहिए। जो एमफिल प्रोग्राम है इट शैल बी डिसकंटिन्यूड। इसके साथ साथ जितने भी सिंगल स्ट्रीम ऑफर करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिर्फ साइंस पढ़ाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ाया जाता है, इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें फेज आउट कर दिया जाएगा बाय 2040। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उन्हें मल्टीडिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा। आप एक सिविल इंजीनियर का केस ले लीजिए, उसका काम सिर्फ एक डैम बनाना नहीं है,
डैम बनाने के टाइम उसे एनवायरनमेंट और सोशल इम्पैक्ट के बारे में भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसे लॉजिस्टिक्स भी आना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो जिस कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है वहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज़ उसके पास अवेलेबल हो, इसीलिए सारे इंस्टीट्यूट्स को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना काफ़ी ज़रूरी था। अब आते हैं स्कूल लेवल पे क्या क्या चेंजेस लाई गई है उस पे। जो प्रेजेंट 10+2 स्ट्रक्चर था उसे रिप्लेस करके 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर लाने की बात की गई है। इस स्ट्रक्चर में जो पहला कोर्स है वो है 5 साल का कोर्स, वो है फाउंडेशन कोर्स, जो कि 3 साल से 8 साल तक चलेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट विथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसके बाद आता है 3 साल का प्रिपेरेटरी स्टेज, जो कि 8 साल से 11 साल तक चलेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। फिर आता है 3 साल का मिडिल स्टेज, जो कि 11 साल से 14 साल तक चलेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़। फिर आता है 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, विच इज़ बेस्ड ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सीबिलिटी एंड स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन का फोकस रहेगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में। इसके साथ साथ जो कोडिंग है वो क्लास 6 से शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये काफ़ी वेलकमिंग मूव है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को 10 डेज बैगलेस पीरियड्स भी मिलेगा ग्रेड 6 से ग्रेड 8 के बीच में, जहाँ पे उन्हें वोकेशनल सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, जैसे कि गार्डनिंग, पेंटिंग, पोट्री मेकिंग एक्सेट्रा। और जो मदर टंग है या फिर लोकल और रीजनल लैंग्वेज है, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा एटलीस्ट ग्रेड 5 के लिए, और अगर हो सकता है तो ग्रेड 8 तक भी इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ इस पॉलिसी में हुआ है मेरे हिसाब से, वो ये है कि स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। पहले अगर आप फिजिक्स पढ़ते थे तो उसके साथ साथ आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ये सब भी लेना पड़ता था, लेकिन इस पॉलिसी के अंडर अगर आप फिजिक्स ले रहे हैं और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में भी है, तो आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। आप मैथ के साथ फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, माई चॉइस इज माई चॉइस, नन ऑफ योर चॉइस। अब आते हैं इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पे। आपको पता होगा एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो फिर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन करना और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि 2040 तक धीरे धीरे करके इस पॉलिसी को एंटायरली इम्प्लीमेंट किया जाए। और सफिशियंट फंडिंग इज ऑल्सो क्रूशियल। जो 1968 का प्लान था, इट वॉज हैमस्ट्रंग बाय अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब आपके लिए एक सवाल है, मान लीजिए ये पॉलिसी लॉन्च होने के बाद गवर्नमेंट ने लॉज भी बना लिए, तो क्या ये पॉलिसी सारे स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है? क्या स्टेट्स इस पॉलिसी को मानने के लिए मजबूर हैं? तो इसका आंसर है नहीं। द पॉलिसी प्रोवाइड्स ए ब्रॉड डायरेक्शन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इट, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। फॉर इंस्टेंस, आप तमिलनाडु गवर्नमेंट को देख लीजिए। इट डजंट फॉलो द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रेस्क्राइब बाय द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन 1968। तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसी ऑन पेपर काफ़ी अच्छी लग रही है। All we can do now is wait and see how the government implements it. So guys, this is the end of this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, then like and share this video. And आपकी इस टॉपिक के ऊपर जो भी राय है उसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। And subscribe to my YouTube channel GS Warriors. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।